इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, पहले ब्रेकर को ओपन करके इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 2x से इस टर्म को मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा, 2x * 2x स्क्वायर 2x क्यूब हो जाएगा, फिर 2x प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x स्क्वायर हो गया, माइनस 1 हो गया dx, ये आपका i हो गया इंटीग्रेशन। तो i का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x क्यूब, ठीक है, और माइनस x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 dx। अब टर्म को अलग अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रेशन 2x dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, है ना। क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 2 इनटू x 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 इनटू x 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस, ठीक है। ये देखा आई फोर टू बाई फोर एक्स फोर फोर माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब और प्लस टू बाई टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। देखा वन बाई टू एक्स एक्स फोर फोर माइनस वन बाई थ्री एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब उसके बाद इस टाइप से दूसरा लग जाएगा आपका। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, या फर्स्ट वे पार्ट बता दें कौन सा होता है, सेकंड पार्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। तो आई को कितना, आई को इंटीग्रेशन 2 रे टू पावर लॉग एक्स बेस 4 डीएक्स, ये ना, ठीक है, ये 4 एक्स के लॉग एक्स बेस 4 यहां पर 4 एक्स है, 4 एक्स 4 एक्स और डीएक्स, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन 2 log x और 4 तो इसको बेस चेंज कर लेते हैं, बेस चेंज कर लेगा क्या लेगा, log x बेस e, log x बेस बेस चेंज करना,
कॉपी करके बताते हैं, इसको कॉपी करके बताते हैं। कर लेगा।